श्री महाकाल, आप सभी को जय माता की। और आप कैसे हो? आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं माता रानी से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा रहे। ठीक, तो आज मैं आपको बता रही हूँ, जो व्यक्ति, जैसे कई कई लोगों को ना, जैसे ईश्वरी कृपा का पता नहीं चलता कि हमारे साथ ईश्वरी कृपा है कि नहीं है, और प्रभु ने अपना संदेश देना चाहते हैं और आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है या नहीं चल रही है, या वो हमें अपना कोई संदेश देना चाह रही है तो आपको नहीं पता होता। तो जैसे आप सोते हो रात में, देखो सभी को गहरी नींद आ जाती है, सोना तो एक कह सकते हैं कि हम मृत्युशैया में पड़े हुए, हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी अवस्था में होते हैं। जब नींद में होते हैं तो सच में नहीं पता होता कि, फिर जब हम सो जाते हैं एकदम ही हमारी आंख खुलती है। तो आप ये देखिए कि आंख खुलती है, जैसे आप उठते होंगे 6 बजे 7 बजे, जो अपने कई बार कोई लोग 8 बजे भी उठते हैं ना, तो लेट सोना और लेट उठना गलत आदत होती है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। ठीक है, तो चलो हम अपनी तरफ से आप लोगों को राय दे रहे हैं। तो जैसे कई बार आप सो जाते हैं, सपोज करो आप 12 ही बजे सोए हैं, जैसे मैं अपनी बात कह रही हूँ, भले ही मैं 12 बजे, इवन कि 1 बजे भी अगर मैं सोई हूँ, तब भी मुझे होगा कि मैं 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुल जाएगी, और ऐसे लगता है जैसे किसी ने उठा करके किया, बोल करके की, कोई आवाज मार के करी। मेरे साथ तो ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार 3 साढ़े 3 बजे बैली बज जाएगी, वह कौन आया, जब देखूंगी टाइम इतना, तो कौन होता, प्रभु भगवान की इच्छा होती है कि हम उठे, भक्ति करें, क्योंकि तो। और अगर आप लोगों की 3 से 4 या 5 बजे के बीच बीच में आंख खुल जाती है, तो आप सोचिए कि आपके साथ कोई शक्ति अपना संपर्क साधना चाह रही है, और वो आपको बार बार संदेश दे रही है कि बेटा तू इस टाइम उठ, तेरा भला होगा, तेरा अच्छा होगा, तेरे साथ शक्तियां संपर्क साधेगी, तेरा काम होगा। और होता क्या है, अगर आप 3 या 4 बजे उठते हैं ना, तो ये आयुर्वेदिक के इससे भी ठीक है। उस टाइम एक तो स्वच्छ वातावरण होता, ट्रैफिक कम होएगी, जनता कम का होगा, पॉल्यूशन कम होएगा। आयुर्वेदिक के हिसाब से भी 3, 4, 5 बजे के बीच में उठना बहुत लाभप्रद माना गया है। जो भी उठता है वो जिंदगी में तरक्की करता है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उसके आगे बहुत जल्दी बीमारियां नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम वायुमंडल में एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो कि आपके बॉडी को एक पावरफुल व्यक्ति बनाती है। ठीक है, तो जो 3 से 4 बजे का टाइम है, कृष्ण भगवान जी ने गीता में भी ये सार दिया हुआ है कि कुछ स्वतः काम प्रभु ने, ईश्वर ने इंसानों के खुद के ऊपर ही छोड़ दिए थे कि अगर इंसान इन सभी कामों को करेगा तो वो स्वतः ही अपने जिंदगी का, अपने जीवन का भला वो स्वतः ही कर लेगा। वो कुछ कार्य उनको खुद को ही सौंपे थे, वो खुद ही अगर करेंगे तो अपने जीवन को मिटा देंगे, इवन कि अपने कर्मों को भी मिटा देंगे। ठीक है, तो सुबह सुबह ये जो शक्तियां होती है, ये ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही होती है, कोई पृथ्वी लोक में आई हुई होती है, कोई कहीं आई होती है, और ये करती है, फिर अपने टाइम के मुताबिक ये अपने अपने लोक को चली जाती है। ठीक है, तो उस टाइम अगर 3 या 4 बजे अगर कोई जाप कर रहा होगा और बैठा होगा, जो भी स्त्री पुरुष शुद्ध अवस्था में बैठे होंगे, अच्छे होके बैठे होंगे, निर्मल होकर के बैठे होंगे, उनके अंदर लक्ष्मी का वास होता है, उनके घर के अंदर लक्ष्मी आती है और उसे स्वतः ही आशीर्वाद दे करके जाती है, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस बुजुर्ग को जो भी इस टाइम बैठा होगा। तो क्योंकि लक्ष्मी सफाई बहुत मांगती है, शुद्धता, वैसे तो सभी देवी देवता शुद्धि में ही आते हैं, लेकिन लक्ष्मी एक ऐसी चीज है ना कि लक्ष्मी के बिना आपके सारे कार्य रुक जाते हैं, आप कोई भक्ति भी नहीं कर सकते, कुछ भी आएगा आएगा तो पैसे से ही है ना। तो लक्ष्मी मस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुकी है एक, तो लक्ष्मी आपको इतनी जरूरी है कि अगर आपके घर में लक्ष्मी आए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह बैठे होंगे सुबह 3, 4 या 5 बजे, तो लक्ष्मी आपको आएगी और आपके धन धान्य की वृद्धि होगी, वर्षा करके जाएगी, पैसों की खुशियां देके जाएगी, खुशियों से आपका दामन भर के जाएगी। तो जिसकी भी आंख खुद बिना अलार्म से, कह रही हूं मैं, बिना अलार्म से 3-4 बजे खुलती है, और जब वो टाइम देखते हैं तो टाइम देखते हैं तो 3-4 बजे होते हैं, तो ये सोचा कीजिए कि
भगवान ने उठाया, क्योंकि मुझे नींद बड़ी प्यारी है ना, मैं उठने की कोशिश नहीं करती ना, तो मुझे तो कहीं दर्द ही लगा देंगे, उठना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लगा देंगे कि उठना ही पड़ेगा। और फिर क्योंकि हमारे साथ शक्तियों का संपर्क होता है ना, तो वो डंडे के जोर पे भी हमें उठाते हैं कि उठ बैठ कर, अगर तेरे पास कुछ होगा तभी लोगों को बांटेगी, अगर तेरे पास ऊर्जा होगी तभी तू इन नेगेटिव ऊर्जाओं से लड़ सकेगी, तभी किसी को क्योर भी कर पाएगी। खुद के पास तो नहीं है कुछ, खुद के पास ना भक्ति है, ना शक्ति है, ना ऊर्जा है, फिर देखो जी माता जी आप ही बह गए, दो चार को ठीक करा को माता जी तो आप ही हो गए, है ना, फिर एक काम हो जाता है। तो ये सब ऊर्जा का खेल है, क्योंकि जब आप किसी को ठीक भी करते हो, किसी को हील भी करते हो, तब भी आपकी बॉडी की ऊर्जा जाती है, आपकी बॉडी की ऊर्जा जाती है, बाकी किसी के पास शक्ति है तो शक्ति कार्य करती है अपने माध्यम से। तो ये मेरा आपको बताना फर्ज था, ये मैं अपना छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी और छोटा ही इसको रखूंगी, क्योंकि जल्दी आप लोग छोटा वीडियो देखें, और भले ही आपको मैं इसमें ये जानकारी मतलब छोटे करके ही मैंने आपको दे दी, तो ये छोटी सी वीडियो छोटी ही हुआ करेगी। आप लोगों से अगर मेरी नॉलेज की बात है तो उसके लिए मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाया करूंगी, पर आप जुड़े, आप जुड़ते नहीं हो लाइव, इतने लोग थोड़े से ही जुड़ते हो, तो फिर मैं आना बेहतर नहीं समझती हूँ। मेरी वीडियो आपको सुबह 8 बजे आया करेगी, ठीक 8 बजे मैं डालती हूँ। मैं 8 बजे इसलिए डालती हूँ, सुबह सबको काम होते हैं, लेकिन मैं 8 बजे इसलिए डालती हूँ कि अगर आपने चलते चलते जाते जाते गाड़ी में जाते कहीं भी जाते हेडफोन लगा के घर पे भी जाते जाते सुबह सुबह आपने कुछ सुन लिया, आपकी मंगल कामना के लिए दुआ की जाती है, तो आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। मैं तो दिन में भी डाल सकती हूँ, मैं नाइट में भी डाल सकती हूँ, वीडियो तो डालनी है, जहां जाना उसने जाना ही है, ठीक है। मैं इसीलिए अर्ली मॉर्निंग डालती हूँ, और आपको अर्ली मॉर्निंग ही वो देखनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हो। हो सकता है कि आपकी कोई मतलब की बात हो जाए, या आप कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो आपका कार्य संपूर्ण हो जाए। कई बार बहुत सी अच्छी बातें होती है जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती है, तो मैं मेरी जब सुबह वीडियो आती है तो उसमें क्या पता आपके मतलब की कौन सी बात निकले और आपका जीवन सफल बने, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, और पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके सुख और की मंगल कामना के लिए, आपके परिवार के लिए मैं भगवती से आपको आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। महारानी भगवती आपकी झोलियां और आपका दामन खुशियों से भरे। जय श्री महाकाल, जय माता की।